तो नमस्कार और वेलकम बैक, आपका फिर से स्वागत है हिंदी ऑटोमोबाइल्स चैनल एबी टेक्निकल गुरु पर। दोस्तों, आज फिर से हम आपके लिए आए हैं गायत्री कार बाज़ार गाज़ियाबाद में, जहां आपको दिखाएंगे यूज्ड गाड़ियां। इनके पास जो अवेलेबल हैं यूज्ड गाड़ियों का स्टॉक, बेस लेवल से लेकर हाई सेगमेंट की सभी गाड़ियां आपको मिलेंगी। और दोस्तों, क्या इनके प्राइस, क्या मॉडल्स हैं, कौन कौन सी गाड़ियां अवेलेबल हैं, आज की वीडियो में शेयर करने जा रहे हैं। तो इसी तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, साथ ही बेल का आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि जब भी नई वीडियो आए आप सबसे पहले देख पाएं। तो दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आपका परिचय कराते हैं। गायत्री कार बाज़ार से हैं मिस्टर जितेंद्र सिंह, जो आज आपको बताएंगे जो स्टॉक इनके पास अवेलेबल है यूज्ड गाड़ियों का। तो जितेंद्र भाई, आप सब्सक्राइबर से क्या कहना चाहते हैं, आपके पास कौन कौन सी गाड़ियाँ अवेलेबल है? चलिए, अपने पास जो है छोटे सेगमेंट की गाड़ियाँ ज़्यादा अवेलेबल हैं, यानी कि बेस सेगमेंट की सभी गाड़ियाँ मिल जाएंगी कम बजट से जो स्टार्ट होती है। जी जी, नॉर्मली जो है मिडिल क्लास के लोग प्रेफर करता है, मिडिल कस्टमर जिसे अफोर्ड कर सकता है, इस तरह की गाड़ियाँ मिलेंगी आपको यहाँ गायत्री कार बाज़ार पर जितेंद्र भाई के पास में। तो आप बिल्कुल देखिए सारी गाड़ियों की डिटेल्स, करंट में जो स्टॉक है, हालांकि स्टॉक अपडेट होता रहता है दोस्तों, लेकिन जो इस समय गाड़ियाँ अवेलेबल हैं वो सारी जानकारी। तो जितेंद्र जी, ये गाड़ी आपकी कौन सी गाड़ी है, क्या मॉडल है, क्या प्राइस है, कितनी चली हुई है, सारी डिटेल्स बताइए। 2016 मॉडल एक्सेंट है, हुंडई की एक्सेंट है 2016 मॉडल, और ये जो है आपका सीएनजी पास है, कंपनी फिटेड सीएनजी लगी हुई है। कंपनी फिटेड सीएनजी है फ्रेंड्स, इसकी खास बात ये है, यानी माइलेज भी बहुत अच्छा मिलेगा गाड़ी का। ये आपको 4.5-4.5 लाख जो है इसकी डिमांड है, उसमें नेगोशिएबल है प्राइस। 4.5 लाख रुपए दोस्तों इसका आस्किंग प्राइस है। वैसे कंडीशन आप देख सकते हैं, थोड़ी सी कंडीशन दिखा देते हैं जितने जी, गाड़ी खुली हुई है क्या? तो देखिए फ्रेंड्स, आप इंटीरियर भी थोड़ा सा इसका गाड़ी का देख लीजिए, ताकि आप आइडिया कर सकें किस तरह की ये गाड़ी है। हुंडई की एक्सेंट और ख़ास तौर से कमर्शियल सेगमेंट में तो बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, स्पेसफुल होने के कारण। जिस तरीके से वैगन आर या स्विफ्ट आपकी पसंद की जाती हैं ओला उबेर वगैरह में, तो उसी तरह की गाड़ी है दोस्तों ये। आप देखिए बहुत अच्छा स्पेस आता है इस गाड़ी में, और 2016 यानी कि आप बिल्कुल एकदम न्यू मान सकते हैं। कंडीशंस आप देखिए, UP 16 नंबर है, यानी यूपी के जो कस्टमर हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी डील हो सकती है। देखिए आप इसका स्पेस भी देखिए, सीएनजी लगी हुई है दोस्तों जैसा कि, और सीएनजी पास है तो वो भी कोई टेंशन नहीं है, और कंप्लीट डॉक्यूमेंट मिलेंगे। और जहां तक इसके इंश्योरेंस की बात है, तो जितेंद्र जी का इंश्योरेंस भी कम्प्लीट है, इसका इंश्योरेंस भी कम्प्लीट है, तो आपको परचेज करने के बाद में इसमें एक भी पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद में जितेंद्र जी आपको गाड़ी दिखाएंगे स्विफ्ट LXi, मारुति की स्विफ्ट LXi जी, 2012 मॉडल बता रहे हैं जितेंद्र जी। और थोड़ा इंटीरियर आप इसका भी देखिए दोस्तों, आपको प्राइस भी बताएंगे कितनी गाड़ी चली हुई है, सारी डिटेल्स आपको शेयर करेंगे। तो आप देख सकते हैं, पहले इसकी कंडीशन देख लीजिए, गाड़ी बिल्कुल ठीक लग रही है, और आप बाहर से देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको गाड़ी लगेगी विदाउट स्क्रैच, बिल्कुल साफ गाड़ी। तो जितेंद्र जी, डिटेल दीजिए इस गाड़ी के बारे में। ये 2012 मॉडल है, फर्स्ट ऑर्डर है, LXi है, पेट्रोल पे चली हुई गाड़ी है, और जो डिमांड है इसकी 2,65,000 में नेगोशिएबल है। 2,65,000 प्राइस है फ्रेंड्स इसका, वो भी नेगोशिएशन कर सकते हैं आप कॉल करके जितेंद्र जी से। और अगर आपको आवश्यकता है दोस्तों, कॉल तभी करें, फालतू में कॉल ना करें, किसी को परेशान ना करें। तो अगर आपको आवश्यकता है बिल्कुल कॉल कीजिए, और गाड़ी अपने लिए आप बुक कर सकते हैं। यूपी के कस्टमर के लिए खास तौर से बेस्ट डील है। खास बात और है, एक बात और आपको पूछ लेते हैं जितेंद्र जी से, जितेंद्र जी फाइनेंस वगैरह भी अवेलेबल होगा आपके पास? फाइनेंस फैसिलिटी अवेलेबल है NCR के बंदों के, यानी जो हमारे NCR के लोग हैं उनके लिए अवेलेबल है। वैसे गाड़ी चाहे ऑल ओवर इंडिया से कहीं से परचेज कर सकते हैं, लेकिन उन्हें गाड़ी कैश लेनी होगी अगर NCR से बाहर के कस्टमर आते हैं तो। ये आप और फ्रेंड्स, एक और बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में देखिए, ऑल्टो K10 दिल्ली नंबर है, और पहले आपको दिखाते हैं लुक, फिर बताएंगे जितेंद्र जी इसके बारे में आपको डिटेल्स, क्या मॉडल है, क्या प्राइस है इसका, आस्किंग सारी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। और दोस्तों आप देख लीजिए, हमें ये बिल्कुल ऑल टू ऑल नज़र आ रही है, तो जितेंद्र जी बताएंगे इसके बारे में बताएंगे। अभी थोड़ा रुकिए, आप ज़रा पहले देखिए इसकी कंडीशन, देखिए कितनी फ्रेश कंडीशन में गाड़ी दिख रही है आपको, ऑल्टो K10 यानी 1000 cc में ये गाड़ी आती है। हाँ, तो जितेंद्र जी इसके बारे में बताइए। ये सर 2018 मॉडल है, यानी बिल्कुल न्यू कह सकते हैं एक तरीके से। बिल्कुल, ये 6000 चली है सर्विस रिकॉर्ड के साथ, जो आदमी खरीदेगा वो सेकंड सर्विस अपने आप कराएगा इसकी।
विद सर्विस रिकॉर्ड, मात्र 6000 चली हुई गाड़ी, ऑल्टो K10 पावरफुल, और 800 से तो बहुत ज़्यादा पावर होती है, इसमें कहने की आवश्यकता नहीं है। और इसका प्राइस वगैरह के बारे में बताइए। प्राइस है इसका 3.5 लाख रुपये नेगोशिएबल। 3.5 लाख रुपये फ्रेंड्स इसका नेगोशिएबल प्राइस है, तो वो आप बिल्कुल तय कर सकते हैं। गाड़ी देखिए, पहले इनके पास आइए और तब आप इस बारे में निर्णय करें कि आपको गाड़ी कैसी लगती है। जहाँ तक हमारी राय है, हमें गाड़ी बहुत ही बढ़िया नज़र आ रही है। कंडीशन के हिसाब से प्राइस आप तय कर सकते हैं, डीलर से कॉन्टैक्ट करना होगा आपको स्वयं, और स्वयं गाड़ी आकर देखें। इसके बाद दोस्तों टोयोटा की इनोवा भी मौजूद है, अगर आपको चाहिए मोर स्पेसफुल गाड़ी। 7 सीटर में आती है, 7 सीटर ही आती है इनोवा तो? नहीं, 8 सीटर है। 8 सीटर वाली है ये? 7+8। अच्छा, 7+1 वाली 8 सीटर इनोवा। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए जीतन जी। ये 2012 मॉडल है। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर गाड़ी है, 75,000 चली हुई है। इसका आस्किंग प्राइस 6 लाख नेगोशिएबल है, यानी केवल 75K चली हुई है। बड़ी गाड़ी है, इन पर फर्क नहीं पड़ता है फ्रेंड्स, आप जानते हैं 75,000 चलना, आप जानते होंगे, कहने की आवश्यकता नहीं है। बड़ी गाड़ियों में मेंशन नहीं होता, ये छोटी गाड़ियों के लिए प्रॉब्लम होती है। और थोड़ा सा आपको दिखाएंगे इसका भी इंटीरियर, देखिए। ये देखिए फ्रेंड्स, स्पेस तो बहुत ज़बरदस्त आता है, 8 सीटर गाड़ी है तो कहने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। देखिए कितना प्राइस बताया था आपने? 6 लाख नेगोशिएबल। 6 लाख रुपए में इनोवा मिल सकती है आपको दोस्तों, अगर आप इनोवा परचेज करना चाहते हैं बहुत कम प्राइस में। यानी कि आप समझिए, जहां पर आपकी स्विफ्ट LXi स्टार्ट होती है उस प्राइस में आपको इनोवा मिल जाएगी। इसके बाद में फ्रेंड्स आप देखिए हुंडई की i10 जो सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है। खास बात यह है कि इस समय हमारे पास यानी जितेन जी के पास अवेलेबल है 2016 मॉडल में। आपको डिटेल भी बताएंगे, पहले आप देखिए इसका क्विक लुक ताकि आप थोड़ा आइडिया कर पाएँ कि किस तरह की गाड़ी है। i10 आपने खूब देखी होगी दोस्तों सड़कों पर चलते, सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली पावरफुल गाड़ी हुंडई की, बिल्कुल बेस लेवल की। सेंट्रो के बाद में निश्चित रूप से i10 ही पसंद की जाती है। आपको बैक व्यू भी दिखा देते हैं एक बार। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है आपका स्पोर्ट्स यानी कि टॉप मॉडल है ये, इसका i10 का टॉप मॉडल आपको मिल रहा है, टॉप मॉडल आता है स्पोर्ट्स इसका। ये आपको 3.5 लाख नेगोशिएबल में मिल जाएगी। 3.5 लाख रुपये नेगोशिएशन प्राइस है इसका। और मॉडल कौन सा बताया? 2016 मॉडल जैसा हमने बताया, स्टैंड 16 है। तो इतने अच्छे प्राइस में आपको ये गाड़ी मिल सकती है दोस्तों। तो इस तरह की बेस लेवल से लेकर हाई लेवल तक की सभी गाड़ियां आपको मिलेंगी गायत्री कार पैलेस पर। तो दोस्तों गायत्री कार बाज़ार पर आप देख सकते हैं सभी तरह की गाड़ियां अवेलेबल हैं आपके सामने, बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप बिल्कुल बेस लेवल की गाड़ी लीजिए, स्विफ्ट लीजिए, i10 लीजिए, टोयोटा इनोवा लीजिए, या जो भी गाड़ी आपको पसंद आती है यहां से परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम जितेंद्र जी से बात करते हैं, अगर हमारे चैनल से सब्सक्राइबर आते हैं परचेज के लिए तो आप उनको क्या फैसिलिटी या आपके पास नॉर्मली मिलती हैं खास तौर से? देखिए हमारे पास जो गाड़ी खरीदने आता है हम तो इसको फाइनेंस की सुविधा भी देते हैं। जो NCR के बंदे हैं उनके लिए फाइनेंस की फैसिलिटी मिलेगी गायत्री कार पैलेस पर। कितने परसेंट फाइनेंस होता है? फाइनेंस जो है हमारा नॉर्मल जो है 12-13% इंटरेस्ट रेट पे हम फाइनेंस कराते हैं, उसमें 75-80% हम फाइनेंस करा देते हैं, 25% डाउन पेमेंट देनी पड़ती है। यानी 25% कोई 4 लाख की गाड़ी है तो 1 लाख देकर आपसे गाड़ी परचेज की जा सकती है अगर कस्टमर का प्रोफाइल बिल्कुल फिट होगा। मेन बात सर यही होती है कि कस्टमर का प्रोफाइल फिट होना चाहिए कि उसे लोन मिल सके। इसके अलावा और बताइए आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में बताइए। आप गाड़ियों के जो डॉक्यूमेंट आप सेल करते हैं तो उन्हें चेक करते हैं इस तरह कोई ऐसी? वो हमारे जो जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं पहले हम अथॉरिटी से वेरीफाई करके तब गाड़ी खड़ी करते हैं, तो सारी वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमारे पास। यानी कि 100% जेन्युइन डॉक्यूमेंट वाली गाड़ियाँ मिलेंगी दोस्तों, नंबर वन। नंबर टू हमने बात की है कि एक्सीडेंटल गाड़ियाँ कोई नहीं मिलेगी यहाँ पर, तो आप निश्चिंत होकर गाड़ी ले सकते हैं, ये टेंशन भी नहीं होगी। प्लस आपकी RC ट्रांसफ़र कराई जाएगी, अदर स्टेट के लिए जाएंगे तो NOC भी आपको देंगे। तो अगर अदर स्टेट के कस्टमर आते हैं तो NOC कितने टाइम में मिल जाती है? NOC नॉर्मल जो है 3-4 दिन जो है लग जाता है, उसमें हम प्रोवाइड करा देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते में आप NOC अवेलेबल करा देंगे अगर किसी वजह से थोड़ा टाइम लग जाता है, नॉर्मली टाइम 3-4 दिन का होता है। तो फ्रेंड्स ये थी ऑल टू ऑल डिटेल। जितेंद्र जी के पास बहुत सारी गाड़ियाँ आती रहती हैं, आप जानते हैं डीलर के पास चेंज होती रहती हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।
या कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। और इसी तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे यूज्ड गाड़ियों के बारे में।